फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे काम करते हैं इस बारे में। आगे बढ़ने से पहले रिसेप्टर को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इससे पिछले लेक्चर में भी आया था रिसेप्टर क्या है। तो अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो फाइव सेंस ऑर्गन हैं, आई, ईयर, नोज और टंग और स्किन, ये जो पाँचों हैं सेंस ऑर्गन्स, इनके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो हमें महसूस करवाते हैं, जो सेंसिंग का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं रिसेप्टर्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स फाउंड इन सेंस ऑर्गन्स, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही होते हैं जो सेंसिटिव हैं पर्टिकुलर टाइप से, जैसे कोई टच से है, कोई स्मेल से है, कोई लाइट से है, इन चीज़ों से है, विच आर सेंसिटिव टू स्पेशल टाइप ऑफ स्टिमुलस। बाहर से जो स्टिमुलस आते हैं, जैसे कि मान लिया टच का स्टिमुलस है या फिर लाइट का स्टिमुलस है एटसेट्रा, तो उनको रिसेप्टर्स कहते हैं। चलो आ जाते हैं न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन सी तो थोड़ी सी हो ही गई थी, फिर बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है और ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो न्यूरॉन क्या है, फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फंक्शनल यूनिट है किसकी, अपने नर्वस सिस्टम की। जब हम ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स के नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें मेन तो टू टाइप्स का नर्वस सिस्टम है, अभी आगे थोड़ी सी डिटेल में आएगा वो, बाकी तीन टाइप का भी उसको मान लेते हैं। तो वैसे बता रहा हूँ, फिर से आएगा ये आगे, नर्वस सिस्टम जो है ये तीन टाइप का है अपने अंदर, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक। इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, ब्रेन, ये सबसे मेन हिस्सा है अपना वो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें कौन आएगा पेरिफेरल में, इसमें आएंगी नर्व्स, क्योंकि देखो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, वो ऑर्डर तो देता है लेकिन वो डायरेक्ट ऑर्डर जाएगा कैसे, किसी ना किसी मीडियम की तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लिया आपको कोई चीज़ उठानी है, कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, तो दिमाग ने तो ऑर्डर दे दिया कि भाई ऑब्जेक्ट को उठाओ, तो वो ऑर्डर डायरेक्ट हाथ ने उठाना है, डायरेक्ट अपने हैंड तक थोड़ी पहुँचेगा, ऐसा कोई मंत्र अभी तक नहीं आया है ना आगे आएगा। तो क्या होगा, दिमाग ऑर्डर देगा, वहाँ से जो सेल्स होंगे, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट हैं, ये ऑर्डर लेकर जाएंगे। तो ये ऑर्डर लेकर जाना, लेकर आना, ये सारे किसको काम करने पड़ेंगे, नर्व्स को काम करने पड़ेंगे। और ऑटोनोमस में फिर दो टाइप हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, ये आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका बार बार जिक्र आता रहेगा, इसमें दो चीज़ मेन है, दो ही है मेन, क्या, ब्रेन और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो न्यूरॉन के ऊपर आ रहे हैं, तो न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है। इसमें वन मार्क का एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कई बार, याद रखना ये जो न्यूरॉन है ना, ये लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी में बहुत सारी वेरियस टाइप्स की यानी कि सेल्स प्रेजेंट हैं, उनमें जो सबसे लार्जेस्ट टाइप की सेल होती हैं वो कौन सी होती हैं, न्यूरॉन होती हैं। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसको आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मेन दिखाई दे रही हैं, देखो सबसे पहले तो ये जो गोल गोल पार्ट है ना, ये मेन चीज़ है, यानी कि थ्री पार्ट्स हैं इसके, थ्री पार्ट्स कह लो, तीन चीज़ें न्यूरॉन के अंदर मेन हैं। पहली है साइटोन, साइटोन को सेल बॉडी भी कहा जाता है, साइटोन कह लो या सेल बॉडी कह लो, ये जो गोल गोल पार्ट है, तो ये है मेन पार्ट। जैसे अपनी बॉडी में बाकी सेल्स होती हैं, वैसे ही ये न्यूरॉन, या इनको आप क्या कह सकते हो, इनको आप
नर्व सेल भी कह सकते हो, ये भी एक टाइप की सेल ही हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग टाइप की हैं बाकी सेल से। तो ये जो हिस्सा है ना इसका, सेल बॉडी, ये लगभग वैसा ही होता है जैसे बाकी सेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, या फिर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, या फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो मतलब काफ़ी कुछ एज लाइक नॉर्मल सेल्स इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे क्या क्या है इसमें, साइटोप्लाज्म इसमें है, या माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो सेल के ऑर्गन्स हैं एटसेट्रा, वो सारे इसमें पड़े हुए हैं। अब इस सेल बॉडी से क्या होता है, दो टाइप की प्रोजेक्शंस ही निकलती हैं, फाइबर टाइप। एक तो ये हैं जो छोटी हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, डेंड्राइट्स। ये न्यूक्लियस भी है इसके अंदर, तो लिख सकते हैं हम न्यूक्लियस प्रेजेंट, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी हैं। ये जो हैं स्मॉल फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और ये जो लॉन्ग प्रोजेक्शन है इनको क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। जो मैसेज पहुंचना है, जैसे ब्रेन तक मैसेज पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा, आप ये देखो, मान लिया ये गर्म बर्तन है, हॉट वेसल है, हमने हाथ लगाया, तो क्या होगा, यहाँ से जो न्यूरॉन्स होंगे वो चलना शुरू करेंगी और इसकी सेंसेशन दिमाग तक पहुँचाएंगी, ब्रेन तक पहुँचाएंगी। तो वो शुरुआत कहाँ से होगी, वो इन डेंड्राइट से स्टार्टिंग होगी, फिर कहाँ आएगी, सेल बॉडी के अंदर, फिर कहाँ जाएगी, एक्सोन के अंदर, फिर कहाँ आएगी, इन नर्व एंडिंग्स में, और फिर अगले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो हम इसकी वर्किंग में भी देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट तो ये है इसका। दूसरा क्या है, देखो, डेंड्राइट्स या डेंड्रोन्स कह देते हैं कई बार इनको। तो डेंड्राइट्स क्या हैं, ये फाइबर लाइक, जैसे फाइबर होते हैं ना, फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब देखो क्या हुआ, जो भी कोई सेंसेशन है वो सबसे पहले कहां पहुंचेगी, डेंड्राइट्स के पास, और फिर वो आगे ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले कहां आती है वो, डेंड्राइट्स, इसीलिए इनको एफरेंट प्रोसेसेस भी कहते हैं। इनका एक और नाम क्या है, इनको एफरेंट प्रोसेसेस भी कहा जाता है। एफरेंट आना, ऐसे याद रख सकते हो आप, ऐसे आना, ऐसे एफरेंट, जहाँ सबसे पहले आती है वो है डेंड्राइट्स। और ये क्या हैं, ये शॉर्ट प्रोजेक्शंस हैं, ये छोटे होते हैं ऐसे, ये डेंड्राइट्स हैं, ये रहे ये। और तीसरा पार्ट इसका क्या है, न्यूरॉन का एक्सोन। तो ये क्या है, सेल बॉडी, ज़्यादातर सेल जैसा है, न्यूक्लियस भी है। ये स्मॉल प्रोजेक्शंस क्या हैं, डेंड्राइट्स, और ये लॉन्ग प्रोजेक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एक्सोन। और फिर ये क्या है, ये है नर्व एंडिंग्स, या इनको आप एक्सोन एंडिंग्स भी बोल सकते हैं। तो एक्सोन क्या है, ये लॉन्ग प्रोसेसेस हैं इसके ऊपर जो हैं, और यहीं से एक्सोन एंडिंग्स से फिर अगले न्यूरॉन तक ये बात जानी है, इसीलिए इनका एक और नाम इफरेंट प्रोसेसेस भी है। तो हमने क्या याद रखना, न्यूरॉन में तीन चीज़ें हैं, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, और एक्सोन्स हैं। ये क्या होता है, आगे जाते रहते हैं, ये मेन इसके थ्री पार्ट्स हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसकी वर्किंग के ऊपर, कि ये वर्किंग कैसे करता है, तो उसको लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो उसको मैं पॉइंटर्स में लिख देता हूं आप, ताकि उसको अच्छी तरह समझ भी लें और याद भी कर लें। न्यूरॉन्स हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, ये जो मैसेज है ये कैसे पहुंचता है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, उस बात पर आ जाते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आंसर पता होता है लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि न्यूरॉन्स की वर्किंग बताइए, तो आप जटाकदेशी बता देंगे कि पहले डेंड्राइट्स के पास आया, फिर सेल बॉडी के पास मैसेज आया, वहाँ से एक्सोन्स के पास आया, नर्व एंडिंग्स के पास गया, अगले न्यूरॉन तक चला गया, ऐसे ही चलता चलता ब्रेन तक पहुँच गया।
लेकिन इसी बात को ऐसे भी ये कह सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज का क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है। और हम सोचते रह जाए ये कहाँ से आ गया भाई इलेक्ट्रोकेमिकल, कहीं केमिस्ट्री की तो बात नहीं कर रहा है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, यानी कि सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, ये न्यूरॉन की वर्किंग है, न्यूरॉन कैसे काम करता है। तो पॉइंटर्स में लिखने से पहले इसमें एक डेफिनेशन में इंक्लूड जरूर करना चाहूंगा, दैट इज सिनेप्स। सिनेप्स क्या चीज है? तो वैसा न्यूरॉन नहीं बनाएंगे। अब मैं आपको सिंपल बताता हूं, जैसे कि ये है मान लिया सेल बॉडी, ये क्या चल रहा है एक्सॉन्स, इसके ऊपर क्या है ये डेंड्राइट्स हैं, और फिर ये क्या है नर्व एंडिंग्स हैं। ये है एक न्यूरॉन। इसी तरह अब आगे क्या आएगा, अब दूसरा न्यूरॉन आएगा जिस पे ये डेंड्राइट्स हैं, और फिर ये आगे सेम ऐसे ही चलता जाएगा। ये है पहला न्यूरॉन, ये है जैसे दूसरा न्यूरॉन। तो पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि ये न्यूरॉन्स जो है ये आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं होगा एक न्यूरॉन ये है एक ये है, ये बिल्कुल जुड़े हुए होंगे, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक गैप। ये जो गैप है इसी का नाम क्या होता है सिनेप्स। देखो ये न्यूरॉन ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच में ये गैप है। ये जो थोड़ा सा गैप है इसको क्या कहते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है वो क्या है सिनेप्स। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो ये जैसे है ये क्या है एक्सॉन एंडिंग्स या नर्व एंडिंग्स जिनको आप बोल रहे हो, और ये क्या है ये फिर से क्या है डेंड्राइट्स हैं या सेल बॉडी। तो एक्सॉन एंडिंग्स और डेंड्राइट्स इनके बीच का जो स्पेस है थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं सिनेप्स। इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हमने याद रखना है कि न्यूरॉन्स जो है ये एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, डायरेक्टली वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इनके बीच में क्या है गैप है, स्पेस होता है थोड़ा सा, और इसी माइक्रोस्कोपिक गैप का नाम क्या है सिनेप्स। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर, पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या होगा कि सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करेंगे किसी भी स्टिमुलस को। जैसे कि कोई हॉट वेसल है उसको आपने हाथ लगा दिया, तो हाथ यानी कि टच, टच के लिए क्या है स्किन है अपनी, तो वहां जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम क्या था थिग्मो रिसेप्टर्स, वो उसको रिसीव करेंगे। पहला काम होगा ये, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर्स देखे, इसलिए मैं इसको पूरा लिखना चाहता हूं ताकि सरल तरीके से हम लिख लें और आप आसानी से इसको याद कर लें। रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स, जो रिसेप्टर्स हैं सेंस ऑर्गन में वो क्या करते हैं स्टिमुलस को लेते हैं, रिसीव द स्टिमुलस। कौन रिसीव करेगा, किसका नंबर पड़ेगा, ये रहे डेंड्राइट्स, इनका नंबर पड़ेगा। जैसे ही स्टिमुलस इन डेंड्राइट तक पहुंचेगा, ये जो डेंड्राइट्स हैं, तो क्या होगा यहां पर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन, आप इसका पैराग्राफ बना के फिर लिख सकते हैं, व्हेन स्टिमुलस रीचेस डेंड्राइट्स, अपने आप पहुंच जाएगा ये, तो क्या होगा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स
या और मुश्किल शब्द यूज करो तो केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड, वो स्टार्ट हो जाती है। इसके स्टार्ट होने से क्या होगा, देखो जैसे ही स्टिमुलस डेंड्राइट्स के पास आया तो इसमें रिएक्शन हुई जिससे एक इम्पल्स पैदा होती है यहाँ पे, यानी कि जैसे स्टिमुलस तो इसको झटका लगता है, जैसे बहुत गर्म वेसल को आप हाथ लगाते हैं और आपको झटका लगता है ना, ये तो बाहर की बड़े लेवल की बात है, तो ये तो बेचारे और भी छोटे हैं। तो जैसे ही स्टिमुलस पहुँचेगा डेंड्राइट्स तक तो क्या होगा, डेंड्राइट्स को क्या मिलेगी, एक इम्पल्स पैदा होगी। तो हम क्या लिखेंगे, एन इम्पल्स इज जनरेटेड इन डेंड्राइट्स, इसके अंदर एक इम्पल्स पैदा होती है। अब इससे पहले कि और आगे बढ़ूं, एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यूरॉन के अंदर एक ही न्यूरोनर, इसके अंदर जो चल रहा है ना, तो ये चलती है इम्पल्स, यानी कि इसके अंदर जो मैसेज चल रहा है वो किसके थ्रू चलेगा, इम्पल्स के थ्रू। और जैसे ये गैप आएगा, अब इसमें इम्पल्स तो नहीं हो सकती क्योंकि तो गैप है, यहाँ तो ना तो डेंड्राइट्स हैं ना एक्सोन है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो गैप है। तो गैप के अंदर फिर क्या होगा, इम्पल्स आगे नहीं चल पाएगी, यहां पर मैसेज किसके थ्रू चलेगा, केमिकल्स के थ्रू चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से बता रहा हूं आपको, न्यूरॉन में सारी चीजें आ गई, देखो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोन एंडिंग्स। तो न्यूरॉन के अंदर अंदर जब मैसेज को चलना है ना, तो वो किसके द्वारा चलेगा, इम्पल्स के द्वारा चलेगा। और जब आगे इस गैप में इम्पल्स खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा, फिर केमिकल्स के थ्रू चलेगा, ये केमिकल्स फिर यहाँ पहुँचेंगे दूसरे में, तो यहाँ फिर इम्पल्स जनरेट होगी, फिर न्यूरॉन में वो इम्पल्स के थ्रू चलेगा, गैप आएगा फिर केमिकल्स के थ्रू आगे बढ़ेगा। इस तरह से मैसेज दिमाग तक पहुँचता है, ब्रेन तक पहुँचता है। तो कहाँ पहुँच गए हम, इम्पल्स जनरेट होती है डेंड्राइट्स में, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ये जो मैसेज है, जो भी कोई मैसेज है जो ब्रेन तक जाना है, ये एक इम्पल्स के थ्रू डेंड्राइट्स से आगे कहाँ पहुंच जाएगा, सेल बॉडी। द मैसेज थ्रू इम्पल्स देन रीचेज टू सेल बॉडी एंड, तो यहाँ क्या हुआ, देखो स्टिमुलस आया, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई, इम्पल्स पैदा हुई, डेंड्राइट से कहाँ पहुँच गई, सेल बॉडी, सेल बॉडी से आगे कहाँ पहुँच गई, एक्सोन्स तक, एंड रीचेज टू सेल बॉडी एंड पास्ट टू एक्सोन्स। इसके बाद क्या होगा बताओ, एक्सोन से कहाँ पहुँचेंगी, एक्सोन एंडिंग्स तक पहुंचेगी, देन इंपल्स रिचीज एक्सोन एंडिंग्स, या ये नाम अच्छा नहीं लगा हो तो वही है नरो एंडिंग्स। देखो अब क्या हुआ, एक्सोन एंडिंग्स तक पहुंच गई, मेरे साथ साथ रहना आप, सो मत जाना, डेंड्राइट्स हैं यहाँ से कहाँ, सेल बॉडी, इससे आगे इम्पल्स कहाँ पहुँची, ये आगे एंडिंग्स तक। अब क्या हुआ, आगे तो ये खाली पड़ा कुछ है ही नहीं, तो इम्पल्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम यहाँ नहीं है, नहीं है तो इम्पल्स हो जाएगी ख़त्म। तो अब ये एक्सोन्स के जो एंडिंग्स हैं, ये सोचेंगे कि भाई ये इतनी दूर से मैसेज चल के आया था, हम तक पहुँच गया, ये आगे नहीं पहुँचेगा तो भी गलत है, कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, एक केमिकल रिलीज किया जाएगा, ये बीच में एक जगह आ गई, गैप आ गया। देखो हिंदी में आपने पढ़ा है ना अतिशयोक्ति अलंकार, क्या बताते हैं उसमें, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। बताते हैं ना महाराणा प्रताप और चेतक घोड़ा, उनकी जो कथा है,
तो वही काम हमने करना पड़ेगा। ये मैसेज जो है ना, ये यहाँ तक तो पहुँच गया, अब इसको आगे पहुँचाना पड़ेगा। इसके लिए किसी चेतक की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चेतक जो है वो अपना क्या है, यहाँ पर केमिकल है जो इस मैसेज को, ये मान लो मैसेज महाराणा प्रताप है, इसको पहुँचाना आगे तक, ये खाई पार करवानी है, तो कौन करवाएगा, केमिकल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सोन एंडिंग्स पर अब केमिकल रिलीज किए जाएंगे, जिस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन, या इनको मेनली न्यूरोट्रांसमीटर कह देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस, वो यहाँ पर रिलीज होंगे अब इसके अंदर, सिनेप्स के अंदर। और वो रिलीज होके क्या करेंगे, जो अगले न्यूरोन के डेंड्राइट्स हैं उनको जगाते हैं, फिर उनको कहते हैं उठो, मैसेज आया वो आगे चलो, फिर इन डेंड्राइट्स में फिर से इम्पल्स पैदा होती है जो अगला न्यूरॉन है यहाँ पे, और फिर ये आगे बढ़ जाता है ऐसे। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, इम्पल्स कहाँ पहुँच गई अपनी, नर्व एंडिंग्स, इन एक्सोन एंडिंग्स या एक्सोन्स कह लो, केमिकल इज रिलीज्ड। इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये रिलीज होता है, इज रिलीज्ड। जैसे उसका एग्जांपल हमने पहले पढ़ लिया, न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल था जैसे एसिटाइल कोलिन। यहां पर क्या हुआ, फिर केमिकल रिलीज हुआ, कहां पर हो रहा है ये सारा काम, इन सिनेप्स। ये जो केमिकल है कहां पर रिलीज हुआ है, सिनेप्स के अंदर। तो अब क्या होगा, फ्रॉम सिनेप्स दिस केमिकल, अगले न्यूरॉन के कहां पहुंचे गए, डेंड्राइट्स की, दिस केमिकल ट्रिगर्स या रीचेज, आप लिख सकते हो, ट्रिगर्स द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंच गया, इसके बाद ये फिर इस न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा, यानी कि आगे बढ़ता जाएगा और फिर अगले में जाएगा, जब तक ये ब्रेन तक नहीं पहुंच जाता, नेक्स्ट न्यूरॉन एंड सो ऑन अंटिल। कब तक ऐसा ही होता रहेगा, न्यूरॉन्स आते रहेंगे एक के बाद एक के बाद एक, ये मैसेज चलता रहेगा, अनटिल द मैसेज रीचेज द CNS, जिसको बार बार मैं दिमाग बोल रहा हूँ, तो वो CNS है एक किस्म से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक ब्रेन है और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से ये क्या होता है, पहुँच जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ये ऐसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, इसको पूरे को आपने लिखना पड़ेगा, 3 मार्क्स में अक्सर इस क्वेश्चन को पूछते हैं, इम्पोर्टेंट है, मैं आपको फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, ये था न्यूरॉन, ये थे डेंड्राइट्स, ये है एक्सोन्स, ये है एक्सोन की एंडिंग्स, ये है दूसरा न्यूरॉन, इस पे ये डेंड्राइट्स, ये एक्सोन, ये एक्सोन की एंडिंग्स। तो क्या हुआ बताओ, स्टिमुलस था, आया रिसेप्टर ने उसको महसूस किया, और ये जो डेंड्राइट्स थे ये क्या हो गए, यहाँ पर डेंड्राइट्स में केमिकल रिएक्शन शुरू होगी। पहले स्टिमुलस आया, डेंड्राइट्स में रिएक्शन शुरू होगी, शुरू क्या हुआ रिएक्शन में, इम्पल्स पैदा हुई। फिर आपको याद दिलवा रहा हूँ, न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज चलेगा वो चलेगा इम्पल्स के थ्रू, और ये जो गैप आ जाएगा ना सिनेप्स, इसमें किसके थ्रू चलेगा, केमिकल्स के थ्रू। तो स्टिमुलस आया, डेंड्राइट्स को जगाया, रिएक्शन हुई, तो क्या हुआ, इम्पल्स पैदा हो गई। ये इम्पल्स डेंड्राइट से कहाँ पहुँची, सेल बॉडी। सेल बॉडी ने कहा भाई मुझे क्या करना है, ये इतने बड़े फाइबर एक्सोन ले रखे हैं, इन तक पहुँचाओ। तो सेल बॉडी कहाँ पहुँचा देगा, एक्सोन इसके पास, ये एक्सोन में चलती हुई आई, कहाँ पहुँच गई, एक्सोन के एंडिंग्स में। फिर पाया भाई आगे तो खाई आ गई, खाली जगह है, क्या करें, सिनेप्स जिसको हम बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक गैप। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक केमिकल छोड़ देंगे इसके अंदर, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं,
और ये केमिकल्स फिर क्या करेंगे, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को जगाएंगे जाके कि भाई बड़ी दूर से आ रहे हैं, आप भी जाग जाओ। फिर वही काम होगा, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगी, इंपल्स पैदा होगी, वो फिर सेल बॉडी में जाएगी, एक्सोन में जाएगी, एंडिंग्स में जाएगी, फिर अगले न्यूरॉन तक पहुंच जाएगी। और ये काम चलता रहेगा जब तक ये मैसेज फाइनली ब्रेन तक नहीं पहुंच जाता। तो इस तरह से आपने लिखनी है या इसको याद करना है, समझना है क्या चीज़ है ये वर्किंग ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग क्या है। तो इस लेक्चर के लास्ट में एक बार न्यूरॉन्स के टाइप्स ऑफ देख लेते हैं, कितने टाइप्स के ये होते हैं। देखो एक तो बात ये याद रखनी है, वन मार्क्स में ये क्वेश्चन एक दो जगह पूछा हुआ है कि सिनेप्स जो है ना, जो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये एक वन वे वाल्व की तरह काम करता है। जैसे हम पढ़ रहे थे ना, ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सोन है, ये एक्सोन एंडिंग्स हैं, तो ये इस तरफ ही आगे की तरफ चलेगा, ये नहीं होगा कि बैक बैक में नहीं आएगा, ये वन वे वाल की तरह ये काम करता है। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की थ्री टाइप्स होती हैं, सबसे पहली है सेंसरी न्यूरॉन्स। जनरल सी बातें हैं, देखो क्या हुआ, सबसे पहले स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस है, मान लिया यहाँ पर कोई कांटे रखे हुए हैं, उनके ऊपर आपका पैर पड़ गया, तो कांटे क्या हैं, कांटे हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस आया, वो मैसेज कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि खाली ब्रेन की बजाय अब मैं इसको कैसे बोलूँगा, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये मैसेज कौन पहुँचाएगा, न्यूरॉन्स। तो मैसेज ये पहुंचेगा ब्रेन तक, ब्रेन क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा कि भाई करना क्या है, इसका समाधान क्या हो, और वो जो भी एनालाइज करेगा आंसर देगा, फिर उसका वो जवाब भेजेगा कि शरीर के किस ऑर्गन को, बॉडी के किस ऑर्गन को क्या करना है। तो क्या होगा, न्यूरॉन्स ये मैसेज लेकर जाने वाले भी चाहिए हमें, और ब्रेन से वापिस लेकर आने वाले भी चाहिए, और बीच में दोनों को जोड़ने वाले भी चाहिए। वही बात यहाँ पे है, बस सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स से मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं, वो क्या होते हैं, यानी कि जो सबसे पहले सेंस करते हैं और फिर उसको ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो कौन से न्यूरॉन हैं, दे कैरी मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो इससे वापस लेकर आएंगे वो क्या हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ये इसे उल्टा काम करने वाले हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज कहाँ लेकर आएंगे, बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या करेंगे, देख कैरी मैसेज फ्रॉम, बोलो कहाँ से कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स तक, टू बॉडी पार्ट्स। तीसरे हैं रिले न्यूरॉन्स। देखो रिले का मतलब ही होता है जोड़ना, जैसे आप सुनते हैं ना रिले रेस, तो रिले रेस में ही होता है, जैसे कोई एक मशाल लिए हुए है तो वो दौड़ता हुआ चल रहा है, उसको दूसरे को देनी है, जैसे कावड़ लेके आते हैं, डाक कावड़ लेके आते हैं, सीजन आने वाला है अब, तो उसमें क्या होता है, देखो डाक कावड़ में एक बंदा कावड़ लेकर आएगा, वो क्या करेगा, उसको नीचे नहीं रखेगा, वो दूसरे को पास आउट करेगा, तो ये रिले होगी, इसी तरह रिले रेस होती है। तो रिले का मतलब ही होता है जोड़ना, तो जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही मिलेंगे। तो पहली बात तो ये है, ये कहाँ प्रेजेंट हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, विद इन CNS। काम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच को जोड़ने का काम करेंगे, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये सारा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन क्या काम करते हैं और उनके
टाइप्स कितने हैं? तो तीन टाइप्स हैं, सेंसरी जो बॉडी पार्ट से नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेकर जाएंगे, और वहाँ से वापस कौन लेकर आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स तक लेकर आते हैं मोटर न्यूरॉन्स, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं रिले न्यूरॉन्स।